केवल खबरें और कुछ नहीं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में हुए दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी से सफलता हाथ लगी, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गिद्दा SPYS रमेश के निर्देश पर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। मालूम हो कि 19 सितंबर की शाम हाट से अपनी दोस्त के साथ दिव्यांग लड़की लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे युवकों ने दोनों को रोक लिया, लेकिन पीड़ित की दोस्त किसी तरह भाग गई। दिव्यांग नाबालिग लड़की नहीं भाग सकी। बाद में लड़की को वहां से दूर ले जाकर सभी 4 युवकों ने दुष्कर्म, 1 महीने में दुष्कर्म के 6 मामले। पीड़ित बेहोशी की हालत से जब होश में आई तो उसने घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन स्थानीय स्तर पर मामला रफा दफा करने के लिए प्रयास किया गया। 4 दिन तक मामला दर्ज नहीं हुआ, तब पीड़ित ने घटना की जानकारी खुद SPYS रमेश को दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने कहा कि फरार 1 आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस महीने में ही जिले में अब तक दुष्कर्म के 6 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस का दावा है कि दुष्कर्मियों को सख्त सजा दिलाने के प्रति पुलिस तत्पर है। गोड्डा से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 3 लोगों की गिरफ्तारी, 19-9-2020 की करीब 4 बजे की घटना है। एक दिव्यांग नाबालिग लड़की जो भटियाली हटिया गई थी सब्जी बनाने के लिए, तो उधर से लौटने के क्रम में लगभग 6 बजे के आसपास घटियाली और तसरिया के बीच में एक नहर है पचीसा डेंगा पुल के पास, उसी गांव के घटियारी गांव के 4 लड़कों के द्वारा इस लड़की को पकड़ लिया गया। उसके साथ एक और लड़की थी जो भाग गई, और ये चूंकि दिव्यांग थी जिसको उसको पकड़ लिया गया। मुंह जाप के उसके साथ भारी बंदी के 4 लड़कों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें हम लोग बलात्कार की पुष्टि के लिए हम लोग साक्षी एकत्रित कर रहे हैं, और इसमें से 3 गिरफ्तारी हम लोग किए हुए हैं। एक महताब अंसारी का, दूसरा रमजान अंसारी, तीसरा काफी नाम उसी गांव का रमजान अंसारी है, एक अभी तभी फिलहाल है जिसके लिए छापामारी जारी है। इसमें चूंकि रेप का है और लड़की माइनर है, उसको एक के अंतर्गत भी हम लोग किए हैं और STSC एक भी लगा है।